सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही प्यारा ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा हिंदी मूवी का, इज लव इनफ सर। और वो मूवी मैं अभी देखने जा रहा हूँ। जैसे हम सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन के चक्कर में थिएटर्स बहुत दिनों से क्या बहुत महीनों से बंद थे, और अब जाके कुछ गिने चुने थिएटर शुरू हुए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ नवी मुंबई में, गंसोली नामक एक जगह है वहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर एक दो थिएटर्स है जो शुरू हुए, तो मैं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक थिएटर है वाशी तरफ, आईनॉक्स, तो वहाँ पर कुछ गिने चुने शो शुरू हुए, बहुत अलग अलग मूवीज़ लगी है बहुत सारी। लेकिन मुझे पर्सनली ये मूवी देखनी है, इज लव इनफ सर, क्योंकि इसमें स्टोरी एकदम हटकर है। वरना बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती है जो हम थिएटर्स पे देखते नहीं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि शिट यार ये मूवी तो थिएटर पे देखनी चाहिए थी। तो ये उन मूवीज़ में से एक है, जैसे कि तुम्बाड़ थी जो मैंने थिएटर पे नहीं देखी, लेकिन अभी देखकर ऐसा लगता है कि यार शिट देखनी चाहिए थी। और इस व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को भी बताऊँगा कि क्या आप लोग थिएटर में जा सकते हो देखने के लिए, नहीं देखने के लिए, कि कैसा वातावरण है, कैसा व्यवहार है, क्या सारी चीज़ें खुल गई है, नहीं खुल गई है, क्या माहौल है ये लॉकडाउन के बाद जब थिएटर शुरू हुए। तो अभी जा रहे हैं भाई, 4:30 बजे का शो है और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:53 इवनिंग। चलो तो अभी डायरेक्ट थिएटर के पास मिलते हैं। ओके फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए, और ये मास्क के चक्कर में गॉगल पहन नहीं सकते, तो इस गॉगल को हम रख देते हैं यहाँ पे। एंड ये इज द आईनॉक्स, वाशी नई मुंबई में 2 आईनॉक्स है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे पता है एक रघुलीला का जो वाशी स्टेशन के सामने, और एक ये पामबीच गैलरिया वाला। मार्च से लेकर अभी नवंबर तक करीबन 8 महीने हो चुके हैं थिएटर्स बंद है और मूवीज़ देखी नहीं है थिएटर के ऊपर। और मैं बचपन से थिएटर्स पर मूवी देखने का एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बहुत 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 बड़ा, मतलब थिएटर्स पर मूवी देखने का मुझे काइंड ऑफ एडिक्शन है। और आज जो मूवी देखने जा रहा हूँ वो बहुत ही प्यारी है, मुझे ट्रेलर से बहुत ही प्यारी लगी। तो चलते हैं अंदर और मचाते हैं। दादा थिएटर चालू हो गया ना? ऑनलाइन तो दिखा रहा था कि थिएटर्स वगैरह शुरू है, लेकिन उनसे इसलिए पूछा क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी है भाई। घर से आए इतनी कड़कती तड़कती धूप में, तो एक बार पूछना तो बनता है। एंड हियर इट इज लव इनफ का 4:30 का शो दीजिए ना। अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं करेंगे इतना तो मैं पता है, तो एक कैमरा हम उनके पास रख देंगे और कुछ टोकन वगैरह ले लेंगे। तो मैं ये स्कूटी में भी रख सकता था, लेकिन यहाँ तक की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए मैंने कैमरा यूज किया और मैं मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकता था। अभी जो टिकट्स है वो पेपर की टिकट्स नहीं मिलती, ये मोबाइल पे SMS आता है और वो हमें दिखाना पड़ता है। So this is a token for camera. शो के लिए बचे हैं सिर्फ 6 मिनट, कैमरा वगैरह सब रख दिया मैंने, वॉशरूम ला के बस फ्रेश भी हो गया, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी जाते हैं, एंजॉय करते हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे और मचाते रहेंगे। Please stand up for the national anthem. इंटरवल हो गया भाई, और इतना मजा आ रहा है मूवी देखने में, मूवी इतनी मस्त और इतनी दिल छू लेने वाली है ना, मतलब ये मूवी देख के ऐसा लगता है कि यस दिस इज कॉल्ड रियल फेमिनिज्म। और मूवी शुरू होते ही एक कांड हो गया, जैसे मूवी शुरू हुई मुझे याद आया यार मैंने चाबी ली है या नहीं ली है मेरी स्कूटी की, और देखा बैग में तो नहीं ली थी, फटाफट भागा नीचे और चाबी डिक्की में लगी हुई थी, निकाली आया ऊपर, इतना टेंशन आ गया ना मेरे को, मेरे मॉम मेरी वाइफ इन लोग को पता चलेगा ऐसा कांड हुआ तो लोग मेरे को और चिल्लाएंगे, वो लोग बोलेंगे तेरे को हमेशा बोलते हैं हमेशा, क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते हैं तू कहीं ये वीडियो वीडियो के चक्कर में चाबी ना भूल जाए गाड़ी में और कोई गाड़ी लेके चला ना जाए। बाकी मूवी इतनी प्यारी है, मतलब ये उन लोगों के लिए है मूवी जिन्हें ऐसी स्लो मूवीज़ देखना पसंद है, काइंड ऑफ आर्ट मूवी आप इसे थोड़ा बहुत वैसा कह सकते हो, मतलब एक स्लो पेस मूवी जो धीरे धीरे चलती है, लेकिन इतनी प्यारी इतनी दिल छू लेने वाली स्टोरी है ना, क्या बोलूँ मैं। मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इसे आप लंच बॉक्स टाइप मूवी कह सकते हो, मतलब उस पेस में ये मूवी चलती है, जैसे लंच बॉक्स थी इरफान खान की, जो कि एक बहुत ही उमदा एक्टर थे यार। भाई रवि भाई हमें यहाँ पर मिले आईनॉक्स के सामने ही, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और इन्होंने आके पूछा कि आप यूट्यूबर हो क्या, मैंने बोला हाँ भाई,
हम भी यूट्यूबर है, तो ये कह रहे हैं कि हमें भी यूट्यूबर बनना है, हम भी सिंगर है, मतलब ये भी सिंग गाना वगैरह गाते हैं, बराबर ना। तो इन्होंने कुछ छोटी मोटी टिप्स मांगी कैसे चैनल बनाना है, क्या करना है, तो जितना मेरे से बन सकता था उतना रवि भाई को टिप्स दे दी है। ये मेरा कैमरा देख के सोच रहा था कि बड़े बड़े कैमरे की ज़रूरत है, ये वो। मैंने ने कहा कि स्टार्टिंग के 100-110 वीडियो मैंने मोबाइल से शूट किए, तो किसी कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही बनाओ और अपलोड कर दो। हाँ, बस आपको मन कर रहा है वीडियो बनाने का, यूट्यूब आने का, वीडियो बनाओ और अपलोड मार दो। हाँ जी, बनाएंगे, आप बता दिए। बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप भी जाओ, जब आपको फ्री टाइम होएगा उसमें गाना गाओ और गाना गा के अपलोड कर दो। ओके, खत्म। एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखने का, कोई टेंशन वगैरह कुछ लेना बनो, ठीक है। हाँ, और ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर इनका कभी चैनल बनता है आगे जाके और ये कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आपके नज़र में आता है, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो खुद से मेहनत करते हैं, खुद से एफर्ट डालते हैं, और उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, छोटे सपने होते हैं, जो भी है खुद से मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनमें से एक हम भी है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और रवि भाई का अगर कोई चैनल आपके नज़र में आता है इन फ्यूचर तो इन्हें भी सपोर्ट करना, बराबर रवि भाई। ओके, चलो रवि भाई, मिलते हैं, ठीक है। अच्छा लगा रवि भाई से मिलते हैं। चलो भाई, अपना भी काम हो गया, मूवी वगैरह ख़त्म हो गई, और कसम से बोलूँ ना, मूवी मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी ना, मेरे दिल को छू लिया इस मूवी ने यार, बहुत ही अच्छी मूवी। थिएटर जो है वो पूरा के पूरा खाली था, जिस स्क्रीन में मैं बैठा था, स्क्रीन नंबर 3, वहाँ पर मुश्किल से 6-7 लोग थे, तो थिएटर पूरा खाली था, बस पूरा खाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मूवी मैंने देखी वो बेकार थी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव सीन। अभी जाते हैं घर, थोड़ा घर पे जाके मचाते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन एंडिंग तक बने रहिएगा। मैं नहीं जानता कि ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगा या घर पर एंड करूँगा, अगर यहीं पर एंड कर रहा हूँ तो बाय बाय, टेक केयर।